साल की शुरुआत से ही छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक के कई कलाकारों की शादी की शहनाइयां गूंजती दिख रही हैं। कभी किसी सेलिब्रिटी की शादी की खबरें सामने आती हैं तो कभी किसी की। अब अगर हाल ही की बात करें तो बॉलीवुड एक्टर करण सिंह ग्रोवर और एक्ट्रेस बिपाशा बसु के रिश्ते को लेकर काफ़ी अटकलें लगाई जा रही थी और आखिरकार वो बीते 30 अप्रैल को शादी के बंधन में बंध गए। और इसी कड़ी में एक और टीवी एक्टर की शादी की खबरें सामने आ रही हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के सीरियल सुहानी से एक लड़की फेम युवराज यानी साहिल मेहता की। बता दें कि साहिल ने कल अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड ईशा दनैत के साथ शादी कर ली। उन्होंने ये शादी अपनी फैमिली और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में की। सूत्रों की माने तो साहिल और ईशा 5 साल पहले एक दूसरे से मिले थे और एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई और फिर तकरीबन 2 साल तक प्यार के रिलेशन में रहने के बाद उन्होंने अपने इस रिश्ते को फ्यूचर देने की सोच शादी का नाम दे दिया। खबरों के मुताबिक यह शादी कल सुबह पुणे में मराठी स्टाइल में संपन्न हुई। शादी के दूसरे दिन यानी आज वो लोग गोवा के लिए रवाना हो गए हैं, जहां उनके दोस्तों ने उनके लिए पार्टी और फॉर्मल वेडिंग की प्लानिंग की है। बताते चले कि ये कपल दोस्तों की पार्टी एंजॉय करने के बाद 4 तारीख को अपने हनीमून के लिए लद्दाख के लिए उड़ान भरेंगे। इसी वजह से उन्होंने सीरियल से करीब 17 दिन का ब्रेक लिया है। गौर हो कि साहिल इंडस्ट्री में पहली बार फिल्म लव एक्सप्रेस में दिखाई दिए थे, लेकिन फिर किसी कारणवश 3 साल का ब्रेक लेने के बाद सुहानी से एक लड़की सीरियल में वो लीड किरदार में नजर आए। इस सीरियल में उनके डायनेमिक पर्सनैलिटी और बेहतरीन एक्टिंग को दर्शकों द्वारा खूब पसंद किया गया। वहीं अगर बात करें सीरियल की कहानी की तो इसमें एक प्यारी सी लव स्टोरी को दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए रचना की रिपोर्ट।